हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर अंडर बिजनेस स्टडीज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसी को हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, चाहे पार्टनरशिप हो गया, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, और डिफरेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसी को हम लोग आज स्टडी करते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटीज़ दैट कीप ए पर्सन बिजी। कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें पर्सन को वो बिजी रखते हैं, उसे हम लोग एक बिजनेस कहते हैं। हाउएवर द बिजनेस मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इसमें जितने भी इंडिविजुअल हों उस किसके थ्रू डायरेक्टेड टूवर्ड्स किसके ओर रहते हैं लोग, प्रॉफिट अर्न करने की ओर वो लोग रहते हैं। प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव होता है। एक्वायरिंग वेल्थ और वेल्थ को एक्वायर करना थ्रू प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन के थ्रू या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और अर्निंग प्रॉफिट होता है। ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ ट्रेड्स, जैसे कौन कौन से आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट्स, एंड वेदर द अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप विथ ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड द बिजनेसेस। जो भी एक्टिविटीज़ इस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं अंडर दिस, ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देयर आर द फाइव डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेनली फाइव टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होते हैं? कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही जो शख्स है, सोल प्रोप्राइटर, एक ही जो पर्सन है, ओनर है, उसको मैनेज कर रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है, और जो भी उससे प्रॉफिट हो रहा है वो टोटल क्या कर रहा है, वह उसको अर्न कर रहा है और अपने घर लेके जा रहा है टोटल प्रॉफिट। अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नोन एज द वन मैन बिजनेस। इसको जैसे मैंने बोला कि ये एक वन मैन बिजनेस है जिसमें सोल, यहाँ पे अगर आप देखें तो सोल से मतलब होता है सिंगल पर्सन और प्रोप्राइटरशिप से मतलब होता है ओनरशिप, जिसमें किसी एक शख्स का जो भी इसका प्रोप्राइटर है, ओनर है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, इट मेक्स 72% ऑफ ऑल बिजनेसेस, जो टोटल बिजनेस है उसका 72% वो टोटल मैनेज करता है। टेक इन 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट का बहुत ही कम पार्ट लेता है। ठीक है, 5% नियर अबाउट नियरेस्ट। They are the simplest to the form of because of the small amount of the capital needed to start up. इसको simplest form इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही small amount of capital की requirement होती है किसको, business को start करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको simplest form बोलते हैं। देखिए, इन दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन पर्सन इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल। मैंने बताया कि एक ही शख्स होता है जो टोटल कैपिटल को प्रोवाइड करता है, बियरिंग द ऑल रिस्क ऑफ द इंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो डे टू डे मैनेजमेंट बिजनेस। वो टोटल रिस्क को भी बियर करता है और डे टू डे जो भी बिजनेस है उसको मैनेज भी करता है। जैसे आपने देखा होगा, ब्यूटिशियंस हो गए, डेंटिस्ट हो गए, लॉयर हो गए, ड्राई क्लीनर हो गए, लेमनेट स्टैंड्स हो गए, केमिस्ट शॉप हो गए, जो भी आप छोटे मोटे आप जो परचेजिंग करते हैं, आप परचून की दुकान पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं,
कॉबलर के पास जाते हैं, फर्नीचर है, कारपेंटर है, जितने भी आप नियर बाई आप शॉप देखते हैं, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को रन कर रहे हैं। देयरफॉर दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज बेस्ट सूटेड टू ए सोल प्रोप्राइटर। छोटे बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे बिजनेस छोटे जितने होते हैं रन किए जाते हैं, वो उनको बेस्ट सूटेड भी होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप में बात करें, इसके क्या साइलेंट फीचर होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आप, इसमें फुल अथॉरिटी होता है, फुल अथॉरिटी ओवर द अफेयर ऑफ द बिजनेस। एक शख्स होता है, उसकी पूरी अथॉरिटी उसी होती है उस फर्म को मैनेज करने के लिए। ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड स्किल। वह अपने जो भी स्किल्स हैं, जो भी उसकी स्किल हैं, एबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस को एक्ट करता है, उसको ऑपरेट करता है। अब इसमें देखें तो ओनरशिप लाइज विथ वन पर्सन ओनली। इसमें ओनरशिप है जो एक ही शख्स के पास होता है। देयर इज़ ए नो पार्टनरशिप एंड नो एसोसिएशन। इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं माना जाता है, इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं होता है। द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस इंटरप्राइजर आर द वन एंड द सेम। इसमें जो इंटरप्राइजर और ओनरशिप है वो सिर्फ एक शख्स के पास होता है, दोनों एक ही होते हैं। इसको जब बोलते हैं कि पूरे कोई बिजनेस एंटिटी, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं माने जाते हैं। वह जो शख्स है बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, वह उसका बिजनेस इंटरप्राइजर और दोनों क्या है, सेम है। प्रोप्राइटर और बिजनेस इंटरप्राइजर दोनों सेम है। हम लोग आगे देखते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मली कोई भी बिजनेस इसको एक छोटा से कैपिटल में वो स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल, टू स्टार्ट ए रिटेल ड्रग स्टोर ए लाइसेंस इज नीडेड फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आप अगर आपको कोई मेडिकल शॉप खोलना है, ड्रग स्टोर्स खोलने हैं, तो उस कंडीशन में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सर्टेन जैसे जो बिजनेस फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, जो कि मिनिमम होते हैं। प्रोप्राइटर हैज़ टू अरेंज द नेसेसरी कैपिटल। इसमें जो भी नेसेसरी कैपिटल है प्रोप्राइटर को ही अरेंज करना होता है। एंड द एसेट्स विच आर एसेंशियल टू रन द बिजनेस, और जो भी उसके एसेट्स परचेज करने होते हैं वह सोल प्रोप्राइटर ही परचेज करता है। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न इन द बिजनेस इंटायर बिलोंग टू द प्रोप्राइटर। अब एक्चुअली सब कुछ मैनेज वही करा, तो जो टोटल प्रॉफिट इंटायर बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर। द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलिमिटेड। इससे मतलब है कि जो भी टोटल फर्म की लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं बोल सकते कि हम उसकी लाइबिलिटीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं। अगर ड्यूज़ आपके ऐसे ड्यूज़ हैं जो आपके एसेट्स से, आपके फर्म के एसेट्स से पूरे नहीं हो सकते हैं, तो उसको आपको अपने पर्सनल जो एसेट्स होते हैं उनको भी आपको सेल आउट करके उन लाइबिलिटीज़ को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। इसीलिए उनको बोलते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। यहाँ पे आपके पर्सनल एसेट्स और फर्म के एसेट्स में कोई अंतर नहीं है। जब कोई लाइबिलिटी आपको पे करनी होगी तो उसमें कोई अंतर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ द ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंस नो लीगल फॉर्मेलिटी आर नेसेसरी फॉर सेटिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे देखें तो कोई बिजनेस की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं इसको सेटअप करने में। द सिक्रेसी ऑफ द बिजनेस अफेयर कैन बी मेंटेन। जो भी बिजनेस की सिक्रेसी होती है, सीक्रेट चीज़ें आपके जो मैनेज करने वाली चीज़ें वो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। द सोल प्रोप्राइटर इज एबल टू इस्टेब्लिश द पर्सनल कॉन्टेक्ट। एक्चुअली में छोटा बिजनेस होता है तो वो पर्सनली हर एक पर्सनल कॉन्टेक्ट वो मेंटेन कर सकता है अपने ग्राहक से, जो भी उसके जो कस्टमर होते हैं उनसे पर्सनल वो रिलेशन मेंटेन कर सकता है। सोल प्रोप्राइटर इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग ऑल द मैटर्स कंसर्निंग हिज बिजनेस। अपने बिजनेस से रिलेटेड वो सभी डिसीजन लेने के लिए वो फ्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
The incentive of the greater profit and the fear of the losses include the proprietor to work the best of his ability as well as the capacity. अब देखिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको ज़्यादा बेस्ट एबिलिटीज़ आपको शो करने पड़ेंगे. द ग्रेटर प्रॉफिट एंड द फियर लॉसेस इंड्यूस द प्रोप्राइटर टू वर्क बेस्ट एबिलिटी एज वेल एज द कैपेसिटी. अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो बेस्ट वे में आपको आपकी लाइबिलिटीज़ को आपको इम्प्लॉय करना पड़ेगा जिससे आप अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न कर सके. इट इनकरेज द प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन टू सेटअप देयर ओन बिजनेस. ज़्यादातर जो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो लोग अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं. जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए, ये लोग अपना खुद का, आर्किटेक्ट हो गए, अपना बिजनेस प्रोफेशनल वे में सेटअप करते हैं जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मानते हैं. द सोल प्रोप्राइटर इज़ फ्री टू चेंज द पैटर्न ऑफ द मैनेजमेंट एट एनी टाइम. जो मैनेजमेंट का पैटर्न है वह कभी भी चेंज करने के लिए फ्री होता है. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एट ऑल. कभी भी बिजनेस की जो कैपिटल है वो कभी भी बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में आप फ्री होते हैं घटाने बढ़ाने के लिए. नाइन्थ हमारा है, द कंपेरेटिवली देयर इज़ अ लिटिल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एक्सपेंडिचर. एक्चुअली जब आप खुद आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी मिनिमम होता है जिसको आप इजिली क्या करते हैं, खुद मैनेज करते हैं. आपके जो घर के लोग हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें ईजिली जो कॉस्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो लिटिल एक्सपेंडिचर होते हैं. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. द इंडिविजुअल जनरली सफर ड्यू टू द लैक ऑफ द इनएडुकेट फाइनेंस. यहाँ पे अगर आपके पास इनएडुकेट फाइनेंस नहीं है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सफ़र करेंगे. ठीक है, अगर आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं तो आप इस बिजनेस को क्या करते हैं, एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिंगल पर्सन टू लुक आफ्टर वेरी एस्पेक्ट ऑफ द. अभी कभी आप जैसे कोई ज़्यादा अवेयर नहीं है बिजनेस के बारे में तो सब कुछ वो खुद एक्चुअली में पूरा बिजनेस अफेयर को वो खुद मैनेज करता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर सेल, फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट एंड कीपिंग अकाउंट्स, ये सब कुछ उसको मैनेज करना होता है, इसलिए इसकी ये डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं. बिजनेस एंड्स विद द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर. अब जब भी कोई प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो वहाँ पे बिजनेस क्या हो सकता है, एंड हो सकता है. बिकॉज हिज हायर मे नॉट बी एज कॉम्पिटेंट एज क्वालिफाइड टू रन हिज द बिजनेस आफ्टर हिज डेथ. ये ज़रूरी नहीं कि जो उसके जो हायर्स हैं, जो लीगल उसके जो बेनिफिशरीज हैं, वो उसी तरीके से सेम कॉम्पिटेंट या फिर क्वालिफाइड वे में उसको बिजनेस को रन कर पाएँ या फिर रन कर सकें. द सोल प्रोप्राइटर्स usually run his business only on the small scale. जो sole proprietor होता है वो normally small scale पे ही business को run कर पाता है. He cannot enjoy the benefit of the large scale production. वो कभी भी large scale production पे या फिर buying, selling, which is raised cost of the business, कभी large scale पे वो business को manage नहीं कर पाता है. The liability of the business debt is unlimited. मैंने आपको बताया था कि जो बिज़नेस की लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड. अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है या फिर लोन लेकर के आप बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड हो सकते हैं. ठीक है, आपके पर्सनल एसेट्स भी, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, पर्सनल एसेट्स है, वो सारे कुछ बेच कर भी आपको लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ सकता है. ठीक है, देयर इज़ नो चेक्स एंड कंट्रोल ऑन द सोल प्रोप्राइटर. यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता है. ठीक है, ऑन सोल प्रोप्राइटर के केस में कोई रोक टोक नहीं है. तो ये भी इसके एक डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटर के केस में कि इसके क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस, कुछ साइलेंट फीचर, और इसको मैनेज करना कितना आसान होता है. अब आगे के वीडियो में हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे.
ओके स्टूडेंट, देन ओके बाय।